हस्ती तो पुरानी है, धूप छाओ जैसी तेरी कहानी है। Education as education, not as business. हमारा कांताबेन स्कूल आने वाले कुछ सालों में ऐसा होगा। मारे को तो बस नाम कमाना है कि मारो छोरो बड़ी स्कूल में पढ़ रहे हैं। एजुकेशन से बड़ा कोई बिजनेस नहीं है, पेड सर्विस विदाउट गारंटी। ये शाइनिंग इंडिया है, यहाँ ऊंची शिक्षा के लिए ऊंचे लोग कोई भी ऊंची कीमत देने को तैयार है। शिक्षा की ये पैरेलल कमर्शियल व्यवस्था जो कोचिंग और कैपिटेशन के आधार पर तेजी से पनपती जा रही है, नष्ट कर देगी सबको। इस देश में दो भारत बसते हैं। ये अनंत कुमार जी हैं, ब्रिलियंट टीचर हैं। ये पढ़ाएंगे आज से आप लोगों को। इन्होंने पढ़ा दिया तो आप वीआईपी लोगों की वीआईपी एंट्री हो गई आईटी में। अनंत कुमार अब एक्सीडेंट कोचिंग में पढ़ाएं। हमारी राम ने सा बड़ा बड़ा गड्ढा खोद दी, लेकिन यही वो सबसे बड़ी गलती करती है। हमको सलाह छलांग लगाना सिखाती है। जब समय आएगा सबसे बड़ा और सबसे लंबा छलांग हम ही। बायोटेक इंजीनियर, मरीन आर्किटेक्ट, नासा। अरे आज राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वो ही बनेगा जो हकदार होगा। आपकी वाइफ ने सॉलोमन आइलैंड्स के बारे में कुछ पढ़ा इंटरनेट पर? पता नहीं, मुझे नहीं पता। सॉलोमन आइलैंड्स में जब आदिवासियों को जंगल का कोई हिस्सा साफ करना होता है खेती के लिए, तो वो पेड़ दरख्तों को काटते नहीं है, महज उस पेड़ के पास सारे पहुंच जाते हैं और जी भर के गालियां देते हैं, कोसते हैं। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में पेड़ मुरझा जाता है। जैसे खिलने की जिद पर कलियां हैं, जैसे मुट्ठी में मौसम की जैसे हवाएं, ये है बुजुर्गों के दिल की दुआ। लाइफ एक रेस, अगर तेज नहीं दौड़ोगे तो कोई तुम्हें कुचल कर आगे निकल जाएगा। हम सब तो कॉलेज सिर्फ डिग्री पाने के लिए जाते थे। डिग्री नहीं होगी तो नौकरी नहीं होगी, नौकरी नहीं होगी तो कोई बाप अपनी बेटी नहीं देगा,
बैंक क्रेडिट कार्ड नहीं देगी, दुनिया रिस्पेक्ट नहीं देगी। लेकिन वो साला कॉलेज डिग्री के लिए नहीं, सिर्फ पढ़ने के लिए आया था। सर आप जानते हैं हम कौन है? प्राइम मिनिस्टर का बेटे हो तो भी आई विल नॉट एक्सेप्ट योर पेपर। सर आपको हमारा नाम और रोल नंबर पता है? नहीं।